मंडी जिला भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जवाहर ठाकुर ने स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर को मंत्री पद से सेवानिवृत्ति लेने की सलाह दी है। यह सलाह उन्होंने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। जवाहर ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री के नाते कौल सिंह ठाकुर का 4 वर्षों का कार्यकाल निराशा और हताशा भरा रहा है। राजस्व मंत्री होने के नाते वह प्रदेश में रोजी रोटी कमाने वाले किसानों बागवानों के लिए कुछ भी करने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी सरकारों ने अवैध कब्जों को नियमित किया था, लेकिन मौजूदा सरकार किसानों बागवानों को यह राहत देने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि जिस कमेटी का अब गठन किया गया है वह गठन 4 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था और सरकार को कोर्ट में सही ढंग से अपना पक्ष रखना चाहिए था। उन्होंने स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर से मंत्री पद से सेवानिवृत्ति लेकर किसी दूसरे को मौका देने की सलाह दी है। वहीं उन्होंने प्रदेश में चरमरा रही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नेशौक में भव्य मेडिकल कॉलेज बनाकर दिया है, जिसे राज्य सरकार चलाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि MCI से मंजूरी लेने के लिए मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की फौज इकट्ठी की जा रही है और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों को वहां से हटाकर मेडिकल कॉलेज में तैनात किया जा रहा है। इन्होंने इसका विरोध किया है और डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजने की मांग उठाई है। जिस आयोजन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हों और उस आयोजन में मुख्य किरदार निभाने वालों को फूटी कौड़ी भी न मिले तो ऐसे आयोजन को आप क्या कहेंगे। कुछ ऐसा ही होता है अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में आने वाले देव भजंत्रियों के साथ। क्या है इनकी कहानी, जानिए इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश को देव भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ की संस्कृति और रहन सहन पूरी तरह से देवी देवताओं के साथ जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं के रथ जब चलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया है। एक सच्चाई यह भी है कि देवी देवताओं के यह रथ बिना वाद्य यंत्रों के नहीं चलते और इन वाद्य यंत्रों को बजाते हैं देवी देवताओं के भजंत्री। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष यह महोत्सव 25 फरवरी से 3 मार्च तक मनाया जाएगा। पूरे महोत्सव में 215 पंजीकृत देवी देवताओं को बुलाया जाता है और ये देवी देवता तब तक नहीं आते जब तक इनके साथ वाद्य यंत्रों को बजाते हुए भजंत्री न चले। देवी देवताओं को जिला प्रशासन की तरफ से हर वर्ष नजराना दिया जाता है, लेकिन इनके साथ आने वाले भजंत्रियों को इसमें से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। गत वर्ष से कुल्लू जिला में दशहरा उत्सव के दौरान आने वाले भजंत्रियों को 10,000 रुपए का मानदेय देने की परंपरा शुरू हो चुकी है। मंडी जिला की सर्व देवता समिति एवं कारदार संघ ने जिला प्रशासन के पास मांग रखी थी कि कुल्लू जिला की तर्ज पर मंडी जिला के भजंत्रियों को भी मानदेय दिया जाए। समिति के अध्यक्ष शिवपाल शर्मा ने बताया कि इस बारे में एक मांग पत्र जिलाधीश मंडी संदीप कदम को सौंपा जा चुका है। यहां गौर करने वाला पहलू एक और भी है। भावी पीढ़ी देवी देवताओं के वाद्य यंत्रों को बजाने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है क्योंकि इन्हें पता है कि इन वाद्य यंत्रों को उठाने और बजाने से इन्हें कुछ नहीं मिलता। यही कारण है कि इस पुरातन संस्कृति पर भी कहीं न कहीं संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सर्व देवता समिति एवं कारदार संघ के प्रधान शिवपाल शर्मा की माने तो अगर भजंत्रियों को मानदेय मिलना शुरू हो जाता है तो इससे भावी पीढ़ी का इस और रुझान बढ़ सकता है। अगर भजंत्रियों के मान सम्मान की बात करें तो उसमें जिला प्रशासन कोई कमी नहीं छोड़ता। गत वर्ष से देवध्वनि कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ है जिसमें भजंत्रियों को पूरा मान सम्मान दिया जाता है क्योंकि इनके वाद्य यंत्रों से निकलने वाली धुनों के कारण देव ध्वनि का कार्यक्रम हो पाता है। अब
बजंतरियों को उम्मीद जगी है कि इस बार इन्हें मान सम्मान से हटकर मानदेय मिलने का क्रम भी शुरू हो जाएगा।